गोपी बहू स्वयं मेरे कमरे में आई थी कल रात को। उसने मुझसे कहा कि माँ जी, मीरा के मन में भी धर्म कुमार के लिए प्रेम जागृत हुआ है। माँ जी, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं माँ जी के पास बात करने गई थी। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम उस घर में वापस जाओ, और ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा था। बात को घुमाकर दूसरी तरफ उसका मुंह क्यों मोड़ रही हो? बस माँ जी, अपने दिल का बोझ हल्का करने आई थी मैं आपके पास। मुझे नहीं पता था माँ जी कि मेरी बातों का इस तरह से अर्थ का अनर्थ कर देंगी आप। कोकिला मोदी झूठ बोल रही है? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ माँ जी। तू कह रही है जिसे गोपी से गोपी बहू मैंने बनाया, एक अनपढ़ गवार जाहिल, पति की नजरों में मान सम्मान दिलवाया, वरना तेरी क्या औकात कि तू कोकिला मोदी की बहू बन सके। कोकिला तू शू बोले छे मोटा भाबे, गोपी बहू को ये एहसास दिलाना पड़ रहा है। मुझे कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है, आज आपने अपने सारे एहसान जता दिए। जताना पड़ा कि मैं गलत हूँ तो मैं चुप हो जाती हूँ। खेल दो मीरा को कुएं में। मीरा को कुएं में आप ढकेल रही हैं, हम नहीं। बेचारी लग रही है ना ये, अरे खेल खेलना तो इसके बाएं हाथ का खेल है। बस माँ जी बस। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे ईश्वर पत्थर के निकलेंगे। गोपी वो मॉम,